सो हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन ने आज रो पर अपना सिक्का जमाया है। आज एंट्रेंस हुई रो पर, आज एडवर्टाइज थे रोमरेस एंड रोमरेस आए रो पर एंड उन्होंने बताया कि कैसे कैसे उन्होंने सारा कुछ अजीव अब कर लिया है WWE में, हरा दिया है ब्रोक लेसनर को, सब कुछ रेसलमेनिया इतनी बार मेन इवेंट किया है। तारीफों के पुल खत्म नहीं हो रहे थे रोमरेस को, लेकिन उसके बाद हमें रोमरेस बताते कि स्मैकडाउन पर अब मैं बताने वाला हूँ कि मैं क्या नेक्स्ट करूंगा, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सारा का सारा आपको स्मैकडाउन पर पता लगेगा। सो यस, लेट्स सी स्मैकडाउन पर क्या होता है, हमें देखने को मिलता है। कुछ भाई ज्यादा नहीं, बस 100 साल बाद वीर महान का रिटर्न हो गया है रो पर। भाई कितने महीने वेट करवाई WWE ने। एंड गाइस, वीर महान ने ना डोमिनिक मिस्टीरियो का एंड रे मिस्टीरियो का भर्ता बना दिया आज रो पर। रेसलमेनिया रो के बाद एडवर्टाइज थे, आज वो आए हैं रो पर। चलो गाइस, फाइनली हमें देखने तो मिले। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं कोडी रोड्स आज रो पर रिटर्न करते हुए इतने सालों बाद। एंड कोडी रोड्स ने बोला कि WWE में वापस आना मेरे लिए बहुत ही कम डिफिकल्ट था, मैं आराम से वापस आ गया, ये मेरा आराम से लेने वाला डिसीजन था जब मैंने AEW से रिजाइन किया, उसके बाद ही WWE के साथ साइन किया। वेल, उसके बाद हमें कोडी रोड्स सारी ऑडियंस के साथ चिट चैट करते हुए दिखते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा उन्होंने प्रोमो कट किया। उसके बाद हमें सेथ रॉलिंस की एंट्री होते हुए दिखती है कोडी रोड्स के सामने। शॉकिंगली सेथ रॉलिंस कांग्रेचुलेट्स करते हैं कोडी रोड्स को हाथ मिला के कि वेलकम बैक। नेक्स्ट आपको मालूम है कि नाइट 2 पर मैच हुआ था, ओमोस वर्सेस बॉबी लैशली हुआ था एंड रो पर फिर से ऐसा होने लगा था, लेकिन MVP ने ज्वाइन कर लिया है ओमोस को एंड बिट्रे कर दिया है बॉबी लैशली को। वेल, हर्ट बिजनेस इज ओवर, बट यस, ओमोस को उनका मैनेजर अब मिल चुका है AJ स्टाइल। चलो मैनेजर नहीं थे, उनके साथ रहते, लेकिन फिर भी MVP एक अच्छी चॉइस है ओमोस की। एंड अब ये बंदा पहचानो कौन है, पहचानो भाई, मैं नहीं पहचान पाया, आप भी शायद ही पहचान पाओगे, ये बत्तख जैसा बंदा है कौन है, आप देखो पहले, ये है अलायस। शॉकिंग लगा आपको? मेरे को भी बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग लगा था। याद है कुछ टाइम पहले अलायस ने अपने आप को दफना दिया था कि आई एम डेड, एंड उसके बाद ये उनका ब्रदर आया है इज़ीकियल शेव करके। क्या है WWE, क्या है। वेल, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा फनी लग रहा है, पता नहीं क्यों, पर हाँ, इज़ीकियल आया है शेव करके, मतलब है तो ये अलायस ही भाई, कितना फर्क आ जाता है बियर्ड से एंड शेव करके। चलो लेट्स सी इज़ीकियल क्या करते हैं रो पर आगे, एंड आगे हमें क्या क्या देखने को मिलता है। वेल, अगर आप यहाँ तक आ गए हो, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब मार दो चैनल को, नोटिफिकेशन बेल जरूर कर देना है, लाइक तो हमारे देते हो। माय नेम इज़ सोहेल, बाय बाय।